आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है, देन यू हैव टू डिसाइड इज इट सूटेबल फॉर मी और नॉट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे? आई एम श्योर अच्छे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू कर। आज मैं जा रही हूँ, यहाँ पर एक इवेंट है विच इज फ्रेंचाइजी बेस्ड इवेंट, जो कि मुंबई में मैं बहुत जाया करती थी। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी एक्साइटेड। पता नहीं कैसा होगा, आई रियली डोंट नो। जस्ट वी सॉ एन एड एंड वी बोथ इनरोल्ड, बट ये थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। इट टेक्स अराउंड 50 मिनट्स। आई एम ऑल रेडी, दिस इज। सो मैं जस्ट घर से निकली हूँ एंड बहुत सनी डे था एंड फाइनली विद इन लाइक इट टुक 50 मिनट्स एंड हम पहुँच। इस प्लेस को हम मायामी कन्वेंशन सेंटर कहते हैं और यहीं पर ये फ्रेंचाइजी शो ऑर्गेनाइज किया गया है। सो हमें ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो वो टिकट के द्वारा दे विल स्कैन। सो आप यहाँ पे ब्रांड्स देख सकते हैं सारे, जहाँ के लिए इन्होंने एग्जीबिशन किया है। आई होप वीडियो शूट अलाउड है। सो जैसे ही हम एंटर किए, हमने देखा डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड या बिग कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे थे एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सो आप देख सकते हो बोबा टी का भी था। आई एम श्योर सबको बोबा टी बहुत पसंद है एंड पीपल लव टू जावा ब्रू कलेक्शन। Multiple dealerships means big dollars. Those are higher traffic accounts. I want to give you an example of what we consider to be a smaller traffic account, because if you talk to our operators, the money's made in a lot of environments. Amazing donuts. सो वहाँ पे कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स थे जो यू कैन ट्राई, बट मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। आई जस्ट हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी, वेनिला फ्लेवर। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी से लेके होम क्लीनिंग से लेके गेमिंग, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री से फ्रेंचाइजी के ऑफर एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर थे। मज़ा आ गया। सो यहाँ पे बीच बीच में ओनर्स के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा था एंड हम ट्राई कर रहे थे उनके रिस्पेक्टिव कंपनी के फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट और प्रोसेस को जानने की एंड समझने की एंड कैसे सेटअप किया जाता है फ्रेंचाइजी। यहाँ पे अमेजिंग डिफरेंट टाइप के बिजनेस है, फूड से लेके टेक्नोलॉजी एंड देन वहाँ से लेके क्लीनिंग, पेट्स के लिए है, सैलून के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, चाइल्ड केयर के लिए है। There are like many, many, many options. Everything you can get. Games है। So अभी just हम franchising event से आए हैं और अभी हम जा रहे हैं अशोका Indian Cuisine Restaurant. फ्रेंचाइज़ इवेंट ख़त्म होते होते बहुत दोपहर हो गई थी और हम दोनों को बहुत भूख लगी थी बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एंड यही एक पास का रेस्टोरेंट था हमारे फ्रेंचाइजी इवेंट डेस्टिनेशन से अप्रॉक्स 10 मिनट्स। आप देख सकते हैं मनोज चिली चिकन नान, उस राइस तो हमेशा फ्री मिलता ही है जो भी आप करी मंगवाते हैं, तो श्रिम्प करी एंड लेमन राइस। गाइस जस्ट अभी उठी हूँ, हम पहुँचे अराउंड 5:30 और हम एक ऐसी पॉडकास्ट देख रहे थे, देखते देखते सो गए। ओ माय गॉड, इतना सिर दुख रहा है अभी हमारा, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स। तो ये जो एग्जीबिशन था फ्रेंचाइजी शो, जो कि बहुत ही अच्छा है जिनको इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजीज लेने में, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे शोज़ होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं एंड आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बिजनेस ओनर्स से। अगर ये छोटे स्टार्टअप्स हैं तो, अगर बड़े स्टार्टअप्स हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कम, दे विल सेंड देयर फ्रेंचाइजीज मैनेजर्स जो पिच इन करेंगे और टू सेल ऑफ देयर फ्रेंचाइजीज मॉडल। तो आपने जैसे कि देखा ही होगा कि बहुत सारे बिग कंपनीज भी आई थी, मिड साइज भी आई थी एंड स्मॉल स्टार्टअप्स भी आए थे, जो स्टार्टअप नहीं बोल सकती, मतलब दे हैव एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द एरिया एंड दे वांट टू मूव टू सम अनदर स्टेट एंड दे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल उनका ब्रांड ऑब्वियसली यू नो इट विल बिकम बिग एंड बिग एंड बिग। सो बेसिक जब भी आप जाते हैं फ्रेंचाइजी शो पे एंड आप
इंटरेस्टेड हो तो मेन तो आप पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल दे हैव, लाइक इट इज़ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, लाइक व्हाट टाइप ऑफ यू नो सर्विस और प्रोडक्ट दे प्रोवाइड. सेकेंड हो सकता है रेवेन्यू मॉडल क्या है उनका, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, लाइक अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसका चार्ज कितना होगा. Then you can ask about the royalty because franchisees, most of the companies they go for royal percentage. कुछ परसेंट होता है यूजली एंड कुछ कुछ है फ्रेंचाइजीज जो जीरो रॉयल्टी में भी चलता है, बट यू हैव टू सर्च अ लॉट ऑन दैट. यूजली रॉयल्टी वाला गेम बहुत चलता है फ्रेंचाइजीज में जिससे वो पैसा कमाता है. फिर तुम्हारा आता है प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेल्स कितना है, एंड देन आपका विजन क्या है कंपनी का, बिकॉज जो जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं उनके विजन क्लियर नहीं होता है जो फ्रेंचाइजी करवाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में. एंड यस, और मेन इसमें रहता है बिजनेस मेंटेनेंस, बिकॉज जब भी वो फ्रेंचाइजी देते हैं दे हैव टू ट्रेन यू नो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी सलोन हो गया, जो ब्यूटिशियंस होती हैं एस्थेटिशियंस होती हैं, how they have to treat with customer and what is the process of doing some certain steps jo bhi aap kar rahe ho to wo aapko train karenge to uska main that is called maintenance from a salon point of view. aur jo unka raw material hoga like waxing for example to wax kahan se late, kaun se proper scented hoga, it has to be same across all franchisees tab jaake brand ka uniqueness rahega, right? तो वो सारी चीज़ें दे विल गाइड यू. ऑब्वियसली लोकेशन अगर आप कोई सिलेक्ट कर रहे हो अपने हिसाब से, सो फ्रेंचाइजी जो जिससे ले रहे हैं दे विल ऑल्सो चेक ये पर्टिकुलर एरिया आप जो सोच रहे हैं अपने दिमाग में या चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपना आपका कंपनी का फ्रेंचाइजी ओपन करें, सो दे विल कम एंड चेक इज इट गोइंग टू बी ग्रोथ, लाइक इट गोइंग टू गिव यू ग्रोथ और नॉट वो पर्टिकुलर एरिया में, बिकॉज अगर ज़्यादा लोग ही नहीं है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डिमांड कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है, राइट, फ्रेंचाइजी लेके और ओपन करके. सो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे आप पूछ सकते हैं और वो भी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि हमारा यू नो बिजनेस ग्रो करे. सो इट्स ऑल विन एंड विन सिचुएशन. सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछना एंड देन यू हैव टू डिसाइड इज इट सूटेबल फॉर मी और नॉट. बट करेंटली डोंट वरी, मैं से कोई फ्रेंचाइजी के लिए नहीं जा रही हूँ, इट जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन. और मुझे ज़्यादा लाइक जाना पसंद है, इवन मनोज ऑल्सो लाइक्ड इट, वी हैड अ गुड टाइम इन फ्रेंचाइजी शो. सो होपफुली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू माई चैनल. बाय, टेक केयर.